तीन के घर क्या होता है वो 3 किलो की होगा 3 किलो का देखा था तू रहता है अच्छा। हेलो गाइस, तो भाई रावण सरन है, आज हम बनाएंगे चने के लड्डू। मम्मी निकाल दिए सामान फटाफट से, एक बार हम प्रोसेस पूरा कर देते हैं क्योंकि अभी सोनी तो इसी में लटा आए हैं। सोनी में वो अपना आराम तर खेलती रहेगी, पापा उसके पास से क्या सो रहा, क्या उसके उठने से पहले हमें डालने पड़ेंगे क्योंकि जब ये उठ गया ना एक बार फिर नहीं मारा कुछ भी काम ना करता। अरे एक बार मैंने मम्मी दम ना कर दिया कि मम्मी मेरा जाप पे मैं गूंद मत पचाइए क्योंकि गूंद हमने खा लिया था, मम्मी ने पहले गूंद गाल कर खवा दिया मेरे थी। तो मैंने मंगवाए थे भूगड़े, मेरा पापा ने बोला कि नहीं दिना भूड़े लाडू पसंद है, मम्मी भी स्पेशल मेरे थी भूड़े लाडू गाले और हर सर्दियाँ में 3 साल हो गए 7 दिन है हर बार गाले मम्मी ने मेरे, और कोई से ना को नहीं खाने देवा, सिर्फ मेरे थी देगी। अब ब्लेस ने पसंद है इसके जरूर रखने हैं, मीठा और 2 किलो भूडे गाले। हाँ तो भैया हम गालेंगे 4 किलो भूडे क्योंकि 2 किलो तो स्पेशल मेरे एक लिए और 2 किलो सारे घर क्या के। हाँ मेरा 10 किलो घी करवाया था, 10 किलो मतलब 5 किलो तो यो रह रहा है या 7 किलो की पीपी है, 7-8 की और या पूरा 10 किलो की है, 10 की है इतना था अगर 3 किलो की रखी थी घर भी। और भाई ये है 5 किलो जो कि मैं मम्मी के घर मैं अपने मायके से लेके आई हूँ, जहाँ पे मैं वो देना भूल गए थे तो मैं ये लेके आई हूँ। इसमें 5 किलो इसमें है और 6-7 किलो उसमें है और बाकी का मैंने गूंद में खा लिया कि मैं तो और कि मम्मी ने खवा दिया, तो मम्मी बोली कि घी खाना जरूरी है चाहे क्यों करे भी खा, चाहे तू लाडू गलवा कर खा, चाहे क्यों करे भी खा पर घी खा। तो मम्मी की मेरे लाडू गाला इस तरह स्पेशल देखे गणा गर्म तो दूध हो ये ले आई भी मैं तो सला। अब इसमें जाएंगे ये सारे ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट और पीसेंगे राम क्योंकि ये फिलहाल यही थे तो इसलिए यही यूज होंगे। उसके बाद ये जाएंगे इसमें भूगड़े और अब और भी पीसने हैं, ये पीस दिए और अभी लेके आएंगे हम 2 किलो और 2 किलो तो ये हैं, 2 और लेके आएंगे 4 किलो का लेंगे कम। फिर फटाफट ये और पीस दूँ, मम्मी के यहाँ से सुहा है सोने के पास पापा हैं। वो ये देख लो पूरे 4 किलो तो भूगड़े और मैंने पीसे हैं ये ड्राई फ्रूट है, ये ऊपर मम्मी के दिखांड है और इधर हो रहा है घी गर्म। तो फटाफट ये कर दें सारा, मम्मी के लिए खा ला है तो भी फटाफट ये सारा खत्म करें और मेरी सोनी रोल ला रही है, पहले उसे चुप कराऊँ जाके। मम्मी ने भाई सारी चीज़ मिला दी है, ड्राई फ्रूट और मीठा और गोड़े मेरे अकॉर्डिंग तो भाई देखो मीठा ठीक है क्योंकि मैं जिस दिन तक मेरे बालक हुए ना उस दिन पीछे मेरा मिठाई लगा लो कत्ती बंद हो गया क्या सुना जब खाना मैंने या छोरी हुई जब खाना ये मैं थोड़ा सा ही मीठा खा लूँ ना यूँ लगू हाँ खा ले क्योंकि चाय में पीती ना। तो फिर एक बार सूट लेके आई हूँ बिल्कुल सिंगल 16 कलर में रेड कलर में जो कि सबने देखा भी मार्केट में हो चुका है आया नहीं है क्योंकि हमारा सूट है हमने रेड करवाया है। हम अगर चाहे तो ओरिजिनल सूट आपको मार्केट में मिल सकता है, नहीं तो आपको इसकी सिर्फ और कॉपी ही मिलेगी। ये वाला सूट चेक कर लो, ये रहेगा इसका नीचे का बॉर्डर जो कि बहुत ही प्यारा वर्क है और जो आपके ये नीचे बॉर्डर पे मिलेगा ना यही वाला सेम सारा वर्क आपको मिलेगा दुपट्टे पे और ये रहेगी इसकी बाजू, इसकी बाजू पे भी बहुत ही प्यारा वर्क आने वाला है ये देख लीजिए। और ये रहेगा इसका दुपट्टा, इसका भी हमने दुपट्टा हैवी करवा रखा है और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपये ही है और गेंजे के फैब्रिक में प्योर ऑर्गेंजा है, सॉफ्ट वाला ऑर्गेंजा, सेंटोन जो है बॉटम रहेगी और वो भी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। मैंने बोल दिया कि जो भी हमारे पास सूट है ये ओरिजिनल है, अगर मार्केट में आपको ये वाला सूट कम प्राइस में मिलता है तो मैं पहले ही बता रही हूँ वो मिलेगी आपको कॉपी क्योंकि ये सूट हमारे सिवाय किसी के पास नहीं है, ना मार्केट में है ना कोई ऑनलाइन दे रहा उसके पास है, किसी के भी पास आपको ये सूट नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कॉपी। तो मम्मी का है कि मीठा चेक कर लो सारे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मम्मी है थोड़ा सा ज्यादा, वो देख लेगा वो थोड़ा मीठा खा कर तो नो बाद में देखा गया, पहले सूट दिखाओ आप अपना, आज नया नया सूट कर रहे हो दिखा तो दो हमने भी। तो भाई मम्मी का ये वाला सूट हमने रेडी करवाया है अपनी ये शॉप पे,
ग्रे कलर की इसकी बॉटम रहेगी और ये दुपट्टा देख लो बहुत ही प्यारा कॉटन का सूट है, कॉटन का चुंदड़ी है, चुंदड़ी चुन्नी नहीं है, चुंदड़ी है ये रहेगी सूट के चारों तरफ, चुन्नी के चारों तरफ जो सूट की लेस है वो बीच का गोटा, हाँ गोटा गोटा पट्टी और ये प्यारी सी है लेस। ये लेस आपकी मर्जी, आप रखो तो रख लो वरना हटवा भी दो, सुतरी लग गए हाँ मैं बता रही हूँ। और ये रहेगी भाई सूट की फुल लुक, दिखाओ मैं पूरा सूट दिखाओ अपना और बताओ किस साला क्या बने। एक नंबर का। अभी इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल जेनुइन प्राइस है, आप कम प्राइस में बढ़िया क्वालिटी के सूट अपने घर पे मंगवाओ उसको फ्री डिलीवरी के साथ। बैक और दिखा दो, बैक पे भी प्रिंट है इस सूट के और सबसे अच्छा सूट लगा हमने ये, और इसका प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 895 रुपये है। हाँ, तो मम्मी ये बताओ कि 895 रुपए का, 895 रुपए का अगर मान लो आप बाहर मार्केट से ये सूट लेके आओ तो आपने किसा लगेगा, आप महंगा लेके आए सस्ता लेके आए सूट के कपड़े देख कर, कपड़े देख कर तो किसा लगेगा 2000 में मिल रहा। अच्छा तो भाई सुन लो सारे जने, बहुत बढ़िया कपड़ा इसका जी, जिसने सूट सिया फटाफट कैसा लगता है कैसा। तो भाई ये इसमें घी मिला दिया है, इब टाइम आ गया सिर्फ इनके लाडू बनाने का, और लाडू इतने मोटे मोटे बनाऊंगी आज मैं, इतने मोटे लाडू बनाऊंगी सारे एक लाडू में छक जा। आजा भाई आजा 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 आजा, देख दादी ने तेरी मम्मी ये काम देख देख ले, चुप कर दे ना, चुप नहीं कर धमका दे बप, ये देख ले बस दोनों आएगी मां थोड़ी गति जड्डे में गल लिया करे मम्मी, इस टाइम पे कौन गल लिया करे भाई की ना खांती आ। मन्ने की बेरा मैं कौन सा घी तोलू, भाई अपने दादा लग रही इतने कौन खाओगा नहीं सोच के देख तो सड़ा भर जो कोट ठाडा के हम खावांगे हम के मर गए बे मरे हां मैं इतने इतना डराऊंगी पापा ने ये लो भाई 10 किलो की गया सी तैसी कर दी मड़ियान में बना बैस के 10 किलो की अरे ये मड़ियान में ला दिया डेली रोटी आ गई रे ने देखो ये लाडू छोटे ना ये बड़े मोटे इतना मां बैठी है भाई पापा ने बोले मेरा थोड़ा सा छोटा के लिए देख कम हां भाई ए बावड़ी ले ना की था तो ठका और की था कौन देर ठका मेरा आगे खा ना था की है और ना का खा ली वो की है का की ना खा दो ना मेरे ठीक फिर इनते क्यों मंगवाओ थी दी के बैठी की कम दिया किसका नहीं दी के रखते इनका घरा कोना इन भी भाग लिया है मोले। अच्छा हां नानू कह दी कम दिया थोड़ा दिया की बात थी मां ये तो आसी में बात कर रहे थे ले दे दे चप्पल में ठीक से गाल दो सोनू तो पालने में खेल लिए ये हमारा लाडवा वाले हो गया फुल कह देना खा ले बेटा और चल जाएगा एक डेढ़ महीना। अच्छा और आज फर्स्ट टाइम सोनी 2 महीने की होगी, सोनी होने के बाद फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, सोनी होने के बाद
उससे पहले का तो याद ही नहीं है कब खास था। पहले तो बेड पे मिल लिया करता उससे पहले तो बेड पे मिल लिया करता खाना। अच्छा अच्छा के मिला करता ना करना मम्मी बेड पे दिए करती वो मेरा बेड रेस्ट था इसलिए डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था अगर बच्चे को खराब करवाना चाहते हो तो अपना काम कर लो और अगर बच्चे को रखना चाहते हो तो बेड रेस्ट करो तो फिर खुल्लम खुला डॉक्टर ने बोल दिया था। पर सोनी होने के बाद तो 2 महीने हो गए ना सोनी हुए आज फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। फिर तेरे घर जाने से पहले तू बेड पे खा करती ना ना 20 दिन खा था जापे में थी जब फिर आड़े पर खाने लगी थी तो मैं लेट खा रहता कई बार कई बार नहीं डेली लेट खाते थे आप फिर